दोस्तों हम सब लोग जानते हैं गायक के यानी सिंगर के की देहांत हुआ है 31 मई 2022 साल को, और ये देहांत के बाद मानो पूरे इंडिया में करीब सब लोग मातम मना रहे थे। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग इतना दुख थे कि सोशल मीडिया के हर एक जगह पर के की ही चर्चा हो रहा था। लेकिन दोस्तों उनको याद करते हुए सब लोग ये भूल ही गए थे कि उनका जो ये डेमी से इनका जांच करना चाहिए, और निष्पक्ष जांच करने के लिए हम लोग जानते हैं लोकल पुलिस कभी ही ठीक ठाक काम नहीं करते हैं, तो इनके लिए ही सीबीआई जांच किया जाए ऐसा ही सबको माना था। लेकिन सीबीआई जांच कौन देगा? कलकत्ता हाई कोर्ट। जी हाँ दोस्तों, कलकत्ता हाई कोर्ट कुछ ही दिन में ये बताने वाले हैं कि इस हादसे में सीबीआई इंक्वायरी होगा या नहीं। जी दोस्तों, बात क्या है? बात है पिटीशन की। कलकत्ता हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल किया गया है, और दोस्तों कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये पिटीशन को ग्रहण भी किया है, तो इसके लिए आने वाले दिनों में सुनवाई किया जाएगा, और जो भी सुनवाई है बहुत जल्द होगा क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस है और ये पिटीशन भी मास पिटीशन होने वाले हैं। दोस्तों कलकत्ता हाई कोर्ट में सिर्फ एक ही पिटीशन नहीं, मल्टीपल पिटीशन दायर किया गया है। नेक्स्ट जो पिटीशन था उस पिटीशन में ये कहा गया कि ये निधन की निष्पक्ष जांच होना चाहिए, और ये जांच के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट डायरेक्टली इसमें इंटरफेयर करे, तो इसी कारण सीबीआई का बुलावा बहुत जल्दी आ सकता है। और आप जानते ही हैं हाई प्रोफाइल केस में सीबीआई के इन्वॉल्वमेंट रहता ही है। जैसे आप जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई अभी इन्वॉल्व है, हाँ अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है कि क्या चल रहा है, लेकिन दोस्तों सीबीआई का इन्वॉल्वमेंट वही बेहद है क्योंकि उससे ऊपर तो कुछ नहीं है। सीबीआई के ऊपर लोकल गवर्नमेंट या फिर मिनिस्टर तक भी कुछ कर नहीं सकते हैं, वो डायरेक्टली प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति के अंडर ही रहते हैं सीबीआई वाले। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ये जो निधन है इनका सीबीआई जांच होना चाहिए या फिर निष्पक्ष जांच होना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके दिखे मेरे कमेंट का।